हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रणव माहेश्वरी। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कल हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ। आई होप आपको कूलम्स लॉ समझ में आ गया है। क्या होता है कूलम्स लॉ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अगर दो चार्जेस एक स्पेस में रखे हुए होते हैं और उनके बीच में सेपरेशन कितना होता है आर डिस्टेंस का, तो उनके ऊपर फोर्स कितनी लगती है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब मीडियम से रिलेट करता है कि एक मीडियम में एयर में रखे हुए हैं तो उनके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, और अगर किसी और मीडियम में रखे हुए हैं तो उनके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। एम आई वेरी क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड, कूलम्स लॉ से रिलेटेड। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, याद है हम लोगों ने कल बात की थी। अगर ये दो चार्जेस हैं, दिस इज चार्ज वन, दिस इज चार्ज टू, दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू, इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगी, सपोज इन दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर है, इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगी, सपोज इस पर फोर्स लग रही है एफ, सपोज इस पे फोर्स लग रही है एफ एंड इस पे भी फोर्स लग रही है एफ, तो यहाँ पे इनके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यही पढ़ा था हम लोगों ने कल, दिस वॉज कूलम्स लॉ, राइट। अब आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका कुछ डायरेक्शन भी होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वाली फोर्स का कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। तो हमें खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं, फोर्स का डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जब हम फोर्स का डायरेक्शन एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Understood? That is called Coulomb's law in vector form. अब vector की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Vector, अगर मैं आपसे बात करूं, ये vector क्या है? Suppose this vector is A, तो हम इसको कैसे denote करते हैं? हम इसको इसके ऊपर एक arrow लगा के denote करते हैं। This is A vector. अगर इसमें दो चीजें हैं, एक arrow की direction है, this gives the direction of the vector. एंड एक एरो की लेंथ है, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आई होप आपको ये सारी चीजें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मतलब अगर एक वेक्टर है उसको मैं बहुत लंबा बना देता हूँ, उसकी एरो को बहुत लंबा बना देता हूँ, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और एक एरो की लंबाई कम है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है। वेयर एज एक दूसरा वेक्टर है, दूसरे वेक्टर में क्या है, दूसरे वेक्टर का एरो इधर की तरफ नहीं, एरो इधर की तरफ है, एरो इधर की तरफ है, ये लेंथ ये लंबाई सेम है लेकिन इसका एरो जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं अलग अलग डायरेक्शन। तो एरो की जो डायरेक्शन है ये क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एंड जो एरो की लेंथ है ये क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो हमारे एक वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें इससे एक्सप्लेन हो जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, समझ आ गई ये बात। अच्छा ओके, अब हम कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये टर्म्स हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। जब भी फॉर एग्जाम्पल ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, दिस इज चार्ज क्यू वन, दिस इज चार्ज क्यू टू, ये दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही होगी, यस और नो। तो हम लोग ना चार चीजों की बात करेंगे। पहले तो ये चार्ज इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, ठीक है। ये चार्ज Q2 चार्ज Q1 के ऊपर जितनी फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम बोलेंगे क्या, उस फोर्स का हम नाम देंगे F12। समझ आ रही है बात। F12 का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं, याद से समझ लीजिएगा इसको, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू। सिमिलरली इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इसको हम बोलेंगे F21, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन, फोर्स
ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन, जो नंबर पहले आ रहा है उस चार्ज पर फोर्स लग रही है और जो नंबर बाद में आ रहा है उस चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिस इज आर। इस आर के भी दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो हम यहां से यहां आर देखें या हम यहां से यहां आर देखें। सपोज यहां से यहां मैं आर देखूंगा तो इस आर को मैं बोल देता हूं आर वन टू। आर वन टू का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू फ्रॉम क्यू टू टू क्यू वन, फ्रॉम टू टू वन। ये नॉमेनक्लेचर समझना हमारे लिए जरूरी है। और इसका ऑपोजिट ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा इसको मैं बोल दूंगा आर टू वन, मतलब डिस्टेंस टू की तरफ वन से, डिस्टेंस वन की तरफ टू से। इन एरोज पे ध्यान दीजिएगा। अब आप ये चीज पूछ सकते हैं कि सर हमने इसको ऐसे ही क्यों लिया, अगर मैं इस फोर्स को F21 की जगह F12 ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं इस फोर्स को F12 की जगह F21 ले लूं तो क्या होगा। तो मेरा आंसर है कि तो कुछ नहीं होगा, एकदम सही करेंगे आप, उसमें भी कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई एक टर्मिनोलॉजी समझनी है, ठीक है। आप इस फोर्स को F12 लेना चाहो, इस फोर्स को F21 लेना चाहो, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संदेह नहीं है, एकदम करेक्ट है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिया है, मतलब नोइंगली आप लोगे उस चीज को, ऐसे कभी ये कभी वो मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। समझ आई बात? आप चाहते हो इसको F12 लेना, इसको F12 ले लो, आप चाहते हो इसको F21 लेना, इसको F21 ले लो। हम ऐसे बोल देंगे F12 is equal to force on charge 2 due to charge 1, बस कहने की तो बात है। मेरा नाम प्रणव है, अगर मेरा नाम अमित होता तो ठीक है, तो मैं ही हूं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, बस नाम ही तो चेंज हो गया नाम। ये F12 F21 की जगह X और Y भी ले सकते हैं हम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी कोई टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए और उस टर्मिनोलॉजी को हमें समझ में आना चाहिए। सिमिलरली हम इसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं, सर इसको R12 की जगह R21 ले लेता हूँ, 2 से 1 की तरफ ले सकते हो बिल्कुल, R21 की जगह R12 ले लेता हूँ, 1 से 2 की तरफ ले सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात? कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिया है। मैंने जो ये फॉर्म ये लिया है ये किस तरीके से लिया है, जो जैसा एनसीईआरटी में है वैसा मैंने लिया है, तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको ये पैटर्न मिलेगा। बाकी आप देख लीजिए आपको कैसे लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको देखते हैं, यहाँ पे दिस इज Q1, दिस इज Q2, इस फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, F on 1 due to 2, दिस इज F on 2 due to 1, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R12, इस वाले डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R21। समझ आई बात? अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ F12, this is vector quantity is equal to F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 Q1 Q2 by R square, R square। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये वेक्टर है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके साथ साथ डायरेक्शन भी आना चाहिए। तो कौन से डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, ये R12 के डायरेक्शन में लग रही है, R21 के डायरेक्शन में लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है वाली फोर्स? इज दिस फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ R12 और इज दिस फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ R21, किस डायरेक्शन में लग रही है? यस, R12 के डायरेक्शन में। तो ये भी हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, R, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी R12 यूनिट वेक्टर। आई होप आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जब हम इसको R12 के ऊपर कैप लगा देते हैं, इस तरीके की कैप लगा देते हैं, तो ये कैप क्या सिग्निफाई करता है, दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड इज वन, तो मैग्नीट्यूड वन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन क्या है इसका, ये वाला डायरेक्शन है। सिमिलरली इसका उल्टा होगा जब मैं बात करूंगा F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1
q1 q2 by r square और r12 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसके डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा r21 वेक्टर। बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो r12 का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, r21 का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो यहाँ पे r12 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहाँ पे r21 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इट डज नॉट मैटर। यहाँ पे मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला मैग्नीट्यूड है। अगर हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सिग्निफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज इन विच डायरेक्शन। समझ में आई बात? क्लियर है? इनको एक्सप्रेस करने का, अब मैंने आप लोगों को बताया नहीं लेकिन क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लेता हूं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अगर हम एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास ये है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, हमने एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो अगर यहाँ पे r12 है, राइट, r12 है, मैं इसको r12 वेक्टर को अगर उसके मॉड से डिवाइड कर देता हूं, राइट, अगर मैं r12 वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देता हूं तो क्या ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा? यस। सिमिलरली अगर मुझे दूसरा वाला करना होगा r21, ठीक है, r21, तो मैं r21 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, ये हमारा बन जाएगा, यहां पर रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, f12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वेयर, यही वाला r स्क्वेयर, और ये r12 की जगह क्या डाल सकता हूं, मैं यहां पे वेक्टर डाल सकता हूं अपॉन r, ये वाला r इस वाले r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r³, और ये आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। f12 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और f21 को भी आप बता सकते हैं किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, दिस विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा r स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा r21 अपॉन r, तो यहाँ आ जाएगा r³, और यहाँ पे आ जाएगा r21। अंडरस्टूड? समझ आई बात? इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे हमें यह भी पता चल रहा है कि f12 एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड ये रहा और उसका डायरेक्शन ये रहा। समझ आ रही है बात? यहाँ पे f21 का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, ये दोनों ही चीजें एकदम परफेक्ट हैं, एकदम परफेक्टली करेक्ट है, इन दोनों चीजों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, एकदम करेक्ट है दोनों चीजें, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते क्यों हैं, इसकी एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो मैं आपको इसकी एडवांटेज बताता हूं। सबसे पहली एडवांटेज कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की, ठीक है, मैं यहां पे इस वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूं, यहां पे लिखता हूं एडवांटेज। तो एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आई विल शो यू क्या एडवांटेज होती है। सबसे पहला, हमें ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको कि ये r12 इस डायरेक्शन में होगा, r12 इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, और f12 की डायरेक्शन और r12 की डायरेक्शन सेम है, f12 की डायरेक्शन और r12 की डायरेक्शन सेम है, सिमिलरली f21 की और r21 की डायरेक्शन भी सेम है। इससे हमें पता चलता है कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमें पता चलता है कि अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, एडवांटेजेस की, तो सबसे पहली एडवांटेज ये है, वी कम टू नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. क्या मतलब है इसका? सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि ये सेंटर टू सेंटर लगती है, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर पे लगेगी और उस लाइन पे एक्ट करेगी जिस लाइन पे इनके सेंटर ज्वाइन करते हैं. ये फोर्स ऐसे नहीं लग सकती, ऐसे नहीं लग सकती, ऐसे नहीं लग सकती, ऐसे नहीं लग सकती, कैसे भी नहीं लग सकती. या तो इधर लग सकती है या तो इधर, या तो इधर लग सकती है या तो इधर. दिस इज अ सेंट्रल फोर्स. और दूसरी चीज हमें ये पता चलती है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो F12 इज इक्वल टू दिस. क्या मैं R12 और R21 के बीच में ये रिलेशन लिख सकता हूं? मतलब अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो ये मेरा R12 है, दिस इज R12. अगर मैं R21 को उल्टा कर दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? -R21. तो -R21 और R12 सेम वेक्टर्स हैं, यस और नो? तो यहां पे मैंने लिख दिया R12 इज इक्वल टू -R21. तो यहां से अगर हम देखें तो मैं लिख सकता हूं F12 इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2 by R³ और यहां है R12. मैं क्या इस R12 को -R21 लिख सकता हूं? यस और नो? यस. तो मैंने इस R12 को क्या लिख दिया? -R21. माइनस साइन मैं यहां लगा देता हूं, -R21. अब आप मुझे ये बताइए, 1/4πε0Q1Q2 by R³ × R21, ये F21 है, यस और नो? तो मैं ये लिख सकता हूं F12 इज इक्वल टू -F21. ये क्या है? This shows that electrostatic force obeys Newton's third law. Third law क्या state करता है? Action reaction law. थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है? कि न्यूटन जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F12 इज इक्वल टू -F21, मतलब F1 इज इक्वल टू -F2, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट. ये वाली फोर्सेस कैसी हैं? इक्वल हैं, आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट है, ऑपोजिट है. तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाती है. तो ये दो एडवांटेजेस हैं या दो एप्लीकेशंस हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के, कि अगर हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? एक तो ये पता चलता है कि ये वाली दोनों, ये वाली जो फोर्सेज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सेंट्रल फोर्सेज है. सेंट्रल फोर्सेज का मतलब क्या हो गया? सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करती हैं और उसी लाइन पे एक्ट करती हैं. और दूसरा हमें क्या पता चलता है कि ये कैसी फोर्सेज हैं? ये एक्शन रिएक्शन पेयर वाली फोर्सेज हैं, हमेशा कैसी होंगी? इक्वल एंड ऑपोजिट. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है. आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है और उसके क्या फायदे हैं. तो यू नो कि हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कूलम्स लॉ को और उसके फायदे क्या हैं. एक तो हमें ये पता चलता है दैट इट इज अ सेंट्रल फोर्स और दूसरा हमें ये पता चलता है दैट इट ओबेज एक्शन रिएक्शन लॉ. I hope you are clear, you have understood what we have learned today in this lecture. अगर आपको मेरे videos पसंद आ रहे हैं तो please like my videos, please comment in the comment section आपको मेरे videos कैसे लग रहे हैं and do subscribe to my channel for regular updates. Thank you, take care.